दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्पीकिंग टेक्निकली में। दोस्तों स्पीकिंग टेक्निकली एक नॉलेज चैनल है जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ट्रेन करता है, स्टॉक मार्केट्स में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके। हम इस चैनल पे आपको वो सब मेथड्स और वो सब टूल्स के बारे में ट्रेन करते हैं बिना कोई शुल्क, यानी कि एकदम फ्री। दोस्तों अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने से जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास यूट्यूब एक नोटिफिकेशन भेज देगा। और अगर आपको सीरियसली हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी डिलीवरीज पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और आप क्या सीखना चाहते हैं आगे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अपने फीडबैक भी हमें बताइए। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने बॉलिंजर बैंड की एक सीरीज चला रखी थी और कुछ हफ्तों से हम बॉलिंजर बैंड्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और काफी एडवांस लेवल तक हम पहुंच गए हैं बॉलिंजर बैंड्स के साथ। तो बॉलिंजर बैंड्स में हम लोगों ने काफी एडवांस चीजें सीख ली, थ्री ड्राइव्स पैटर्न जो हम लोगों ने लास्ट सीखा। आज हम सीखेंगे एक और न्यूएंस, मतलब कि एक और एडवांस चीज और एक और अलग चीज, हटके चीज जो आपको कहीं कोई किताब में नहीं मिलता है या बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, इस तरह का फीचर जो बॉलिंजर बैंड में है। हम देखेंगे दोस्तों दो टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, डुअल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। हाँ जी, दो टाइम फ्रेम को यूज करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे कि हम बॉलिंजर बैंड में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी है और इसकी सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही सॉलिड है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसकी एक खासियत बताता हूँ स्ट्रेटजी की, कि यहाँ पर ये स्ट्रेटजी में हम पुल बैक को खरीदते हैं। पुल बैक को खरीदना एक वन ऑफ द मोस्ट जिसे बोलते हैं कि समझदारी वाली स्ट्रेटजी होती है कि हम ब्रेकआउट को चेज नहीं करते हैं, पुल बैक को खरीदते हैं। पुल बैक से ट्रेंड जो होता है वो असर्टेन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रेजेंटेशन की ओर। और दोस्तों सबसे पहले एक और जरूरी चीज, क्योंकि मैं आपके पास जो लेके आ रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करता, सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर करें जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप स्टॉक मार्केट के बहुत सारे ग्रुप्स में एडेड जरूर हो गए टेलीग्राम में, तो वहां पर आप अगर इन वीडियो को शेयर करें तो ऑफ कोर्स क्या होता है कि लोग जो हैं सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा वो इनलाइटेंड होंगे और ज़्यादा जागरूक होंगे और हमारी भी रीच ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ चलते हैं जल्दी से अपने प्रेजेंटेशन की और देखते हैं बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज़ करेंगे डुअल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी पे। दोस्तों एक तरह का फाइव स्टार सेटअप है बॉलिंजर बैंड का, एक तरह का फाइव स्टार मतलब कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। बढ़ते हैं आगे प्रेजेंटेशन की ओर। दोस्तों उससे पहले हम लोग का एक RSI प्रोग्राम है जो हम लोगों ने प्रो प्रोग्राम बेसिकली है, वो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको RSI में ट्रेन करता है। और बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आप अपने एक ट्रेडिंग को एक एज पे ले जाओ, एक अलग एज पे ले जाओ, एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाओ, तब आप ये प्रोग्राम जरूर कंसिडर करिएगा। हमारी वेबसाइट proRSI.com पे, ये proRSI.com पे ये प्रोग्राम अवेलेबल है, आप जाके वहां पर देख सकते हो ये प्रोग्राम आपको कैसा सूट करता है। अगर आप करना चाहो तो डिटेल वहां पर पूरी तरह से दी हुई है। अच्छा प्रोग्राम है, एडवांस प्रोग्राम है, और अगर आप सच्ची में ट्रेडिंग सीरियसली लेना चाहते हो तब ये एडवांस प्रोग्राम का बनना सोचिएगा, नहीं तो उतना जरूरी नहीं है। जो भी यूट्यूब में मैं बताता हूँ वो काफी है, लेकिन हाँ अगर आप एक एक्स्ट्रा एज चाहते हो अपनी ट्रेडिंग में और एक मतलब कि आप चाहते हो कि कुछ दमदार आपको एक टूल मिले जिसे आप यूज करके उस तरह का पैसा बनाना चाहे जो आप एक फुल टाइम ट्रेडर के हिसाब से बना पाओ, तो ये प्रोग्राम को जरूर एक बार कंसिडर करिएगा। काफी अच्छा प्रोग्राम है, काफी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, काफी अच्छी रिस्पॉन्स हम लोगों को मिली। डॉक्टर ये मेरा ट्विटर हैंडल है Bharat J82, यहाँ पर मैं जनरली अपने व्यूज शेयर करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी और सब स्टॉक्स पे। तो अगर आप भी वो स्टॉक्स देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ या आप भी वो स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हो जो मैं देख रहा हूँ, तो एक अच्छा प्रीव्यू आपको मिल सकता है, तो जरूर जाके फॉलो करिए, ये हमारा ट्विटर हैंडल है, फायदा ही होगा आपको। तो चलिए से अपने स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं डुअल टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी। तो हम जनरली वीकली और डेली चार्ट्स को यूज करेंगे इसमें डुअल टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वीकली और डेली चार्ट्स पे यूज करना। देखिए मैं एक UD ट्रेडर हूँ,
मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं पूरे दिन स्क्रीन पे बैठा रहूं और मॉनिटर करता रहूं, तो जनरली मैं अपने ट्रेड्स जो है मार्केट बंद होने के बाद ही देखता हूं, तो मैं वीकली और डेली चार्ट्स यूज करता हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आपके पास टाइम है कि आप पूरा टाइम मार्केट को दे सकते हो बैठ के, तो आप इसे डेली और आर्ली चार्ट्स पे भी यूज कर सकते हो। उससे छोटे टाइम फ्रेम में आप इसे आवर्ली और 15 मिनट के चार्ट में भी यूज कर सकते हो, तो इंट्राडे में भी काम आएगा, पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काम आएगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं और एक चीज आपको बताना, जितनी आप टाइम फ्रेम आगे बढ़ाते हो, जितनी आप टाइम फ्रेम ऊपर बढ़ाते हो, उतनी आपकी एक्यूरेसी और उतनी ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये वैसे मैं आपको यहाँ पर जो भी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको वीकली और डेली पे दिखाऊंगा, ये बाकी सब टाइम फ्रेम पे आर्ली डेली आर्ली पे काम कर सकता है, आर्ली 15 मिनट पे काम कर सकता है। आप जाके देखिएगा, ट्राई करिएगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग में कूदिएगा, पहले मत कूदिएगा। तो ये एक ठो सब टाइम फ्रेम पे काम करने वाली स्ट्रैटेजी है। तो लॉन्ग कैसे करेंगे, लुक फॉर द प्राइजेस टू टेक सपोर्ट ऑन द मिडल बैंड ऑन द वीकली चार्ट्स एंड लुक फॉर द प्राइजेस नियर द लोअर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स। अब इसे ध्यान से समझिए, हम वीकली चार्ट्स पे देखेंगे और हमें ऐसा सेटअप खोजना है जहां पर प्राइस जो है मिडल बैंड पे जाके सपोर्ट खा रही है। वीकली चार्ट्स पे प्राइस जो है मिडल बैंड पे जाके सपोर्ट खा रही है, और फिर हम वहां पर उसको फिल्टर कर लेंगे कि हाँ, इन सब दिनों में या इन सब स्टॉक्स में जो प्राइस है वो मिडल बैंड पे जाके सपोर्ट खा रही है। फिर हम स्विच करेंगे डेली चार्ट पे और हमें मेक श्योर करना है कि प्राइस जो है डेली चार्ट्स पे लोअर बैंड पे है। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। तो आइए समझिए, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम में आपसे शेयर कर रहा हूं, और ये बॉलिंजर बैंड्स मैंने बनाए। तो वीकली चार्ट्स पे जो प्राइस है वो मिडल बैंड पे होनी चाहिए, सपोर्ट खानी चाहिए लॉन्ग के लिए। तो ये लॉन्ग के सेटअप है, तो वीकली चार्ट पे मिडल बैंड पे सपोर्ट खानी चाहिए। साइमल्टेनियसली डेली चार्ट्स पे हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो लोअर बैंड के आसपास है। ये है डेली चार्ट्स। तो ये हुआ हमारा एक 5-स्टार लॉन्ग सेटअप। तो ये हमारा लॉन्ग सेटअप है, काफी अच्छा सेटअप है। देखिए अब इसमें इस सेटअप की ये खास बात है कि हम पुल बैक को ट्रेड कर रहे हैं। वीकली चार्ट्स पे क्या हो रहा था, वीकली चार्ट्स पे प्राइस सपोर्ट ले रही थी, वीकली चार्ट्स पे प्राइस सपोर्ट ले रही थी मिडल बैंड पे, क्योंकि हम जानते हैं कि मिडल बैंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो वीकली चार्ट्स पे प्राइस जो थी मिडल बैंड पे सपोर्ट ले रही थी, और डेली चार्ट्स पे जो प्राइस है वो लोअर बैंड पे जाके टच कर रही है। मतलब डेली चार्ट्स पे प्राइजेस क्या है, ओवर सोल्ड है। इसका मतलब एक पुल बैक आएगा ही आएगा। तो वीकली चार्ट पे सपोर्ट, ट्रेंड के साथ हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे काम कर रहे हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट है मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा, जाना चाहिए, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। डेली चार्ट्स पे प्राइस लोअर बैंड मतलब प्राइस जो है ओवरसोल्ड है। इसका मतलब क्या कि प्राइस बाउंस करना चाहिए। तो दो टाइम फ्रेम की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने मिला ली और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हम लोगों ने निकाला है। वैसे शॉर्ट्स के लिए सेम ऑपोजिट देखना है, हमें देखना है प्राइस जो है वीकली चार्ट्स पे मिडल बैंड पे रेजिस्टेंस खा रहा है। अब देखिए वीकली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस खा रहा है शॉर्ट के लिए, और अपर बैंड पे है डेली चार्ट पे। इसका मतलब क्या है कि वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस खा रहा है और डेली चार्ट पे अपर बैंड के आसपास है। इसका मतलब कि डेली चार्ट पे ओवरबॉट है और मिडिल बैंड पे रेजिस्टेंस खा रहा है। इसका मतलब वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस है, मतलब कि वीकली जो भी आपको बता रहा है कि प्राइस कमजोर है और डेली आपको बता रहा है कि ओवरबॉट है, तो यहां से प्राइस थोड़ी करेक्ट हो सकती है। तो दोनों सिनेरियो में हमें शॉर्ट मिल रहा है। तो ये दोनों टाइम फ्रेम की जो प्रोबेबिलिटी है, जो दोनों टाइम फ्रेम की कंपैरिजन हम लोगों ने की, और दोनों टाइम फ्रेम हमें एक ही चीज बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जिस दिन मैं आपके साथ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड शेयर करूंगा, या जिस दिन मैं आपके साथ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बात करूंगा, उस दिन आपकी जितनी भी डाउट है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को लेके, जितना भी आपके दिल में कंफ्यूजन है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को लेके, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जल्दी ही आएगा सेशन, जितनी जल्दी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में सीखना है कि नहीं। तो आइए जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की ओर। देखिए दोस्तों, मेरे पास कई कमेंट आ रहे हैं, मुझे लोग कई बोल रहे हैं कि आप पुराने चार्ट दिखा रहे हैं। भाई मैंने तो पहले ही कहा था, आप अगर मेरे पहला वीडियो देखो तो मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रेजेंटेशन मेरा थोड़ा पुराना प्रेजेंटेशन है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नॉलेज जो है वो पुरानी नहीं है, ये सेटअप अभी भी मार्केट्स में उतने ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन मेरे को अगर मैं नए चार्ट असेंबल करने लग जाऊं तो टाइम लग जाएगा। फिर ये क्या है कि वीडियोस आपके पास जल्दी जल्दी नहीं आएगी, तो इसीलिए ये प्रेजेंटेशन मेरे पास बनी हुई थी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सेटअप आज के मार्केट्स में इक्वली काम करता है। देखिए कोई कई जो लोग होते हैं ना वेल्ले होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, बैठे बैठे ये देख लिया और कमेंट कर दिए कि भाई चलो यार इसको कमेंट करके बोलते हैं कि तो पुराना चार्ट दिखा रहा है, नया चार्ट क्यों दिखा रहा है। या तो देखिए ऐसे कोई लोग होते हैं जिनकी जो उंगली होती है, ये उंगली जो होती है ना करने में बहुत लंबी उंगली होती है, तो ये सबको उंगली चलते रहते हैं। हाँ, तो वो ऐसे कोई लोग बैठे रहते हैं बहुत सारे। और मैं तो सच बताऊं, बहुत सारे कोच भी है जो सो कॉल ट्रेडिंग कोच जो है वो अपने अलग आईडी से मुझे कीड़ा करते हैं कि भैया तुम ये पढ़ा रहे हो, तुम ये पढ़ा रहे हो, ये गलत है, वो गलत है। भैया गलत है तो तुम प्रूफ करके दिखाओ। मैं आपको सही मायने में बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन अटेंड किया था एक बहुत नामी जानी गुरु के, मतलब कि बहुत नामवान गुरु है, ट्विटर पे अच्छी फॉलोइंग है, फेसबुक पे अच्छा फॉलोइंग है, बहुत एक सेशन अभी मैंने उनका ऑनलाइन अटेंड किया था और मैं बहुत शॉक्ड था ये देख के कि वो डाइवर्जेंस को गलत मार्क कर रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो जरूर से कि डाइवर्जेंस को लोग कैसे गलत मार्क करते हैं। मैं आई वाज शॉक्ड, मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि ये बंदा जो डाइवर्जेंस को गलत मार्क कर रहा है, आरएसआई और प्राइस के डाइवर्जेंस को गलत मार्क कर रहा है, वो दूसरों को क्या सिखा रहा है और उसके बाद भी इतनी फॉलोइंग है उसकी यूट्यूब में। अरे भाई लोग क्या देख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है कि किस बेसिस पे फॉलोइंग करते हैं। क्या भाई पेप टॉक्स देने से फॉलोइंग हो जाती है, या रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में आपसे टॉक करूं, मैं आपसे बात करूं कि आपको कैसे अपनी रिलेशनशिप स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहिए, मैं आपको पेप टॉक दे दूं, ठीक है, तो उस पर क्या फॉलोइंग हो जाती है। भैया आपको डाइवर्जेंस ही मार्क करना नहीं आ रहा है, एक बेसिक सी चीज है आरएसआई डाइवर्जेंस। जैसे क्लास जब टेक्निकल एनालिसिस हम सीखते हैं तो क्लास केजी के बंदों को आरएसआई डाइवर्जेंस सिखाया जाता है, जब आपका बेस ही गलत है तो आप क्या सीखोगे। खैर छोड़िए इन बातों को, तो देखिए बात करते हैं, इन चार्ट की बात कर रहे थे। तो ये देखिए अरविंद वीकली, ये देखिए वीकली चार्ट जो है वो रेजिस्टेंस खा रहा है मिडिल बैंड पे, और डेली चार्ट जो है वो अपर बैंड पे रेजिस्टेंस खा रहा है। तो वीकली चार्ट अप मिडिल बैंड, डेली चार्ट अपर बैंड, और ये देखिए जो उसके बाद आप जाके देखिएगा उसके बाद क्या हुआ। ये ऑरो फार्मा देखिए, ऑरो फार्मा जो ये वीकली चार्ट है ये मिडिल बैंड पे यहां पर रेजिस्टेंस खा रहा है, और सिमिलरली मैं डेली चार्ट्स पे देखता हूं, देखिए डेली चार्ट्स पे अपर बैंड पे था, तो ऑरो फार्मा मिडिल बैंड पे रेजिस्टेंस खा रहा है वीकली चार्ट्स पे, ये वीकली देखिए ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है। तो इस सेटअप में ये फायदा होता है कि एक एस्टैब्लिश ट्रेंड हमको ऑलरेडी मिल चुका है, ये ट्रेंड एस्टैब्लिश है डाउन ट्रेंड और ये पुलबैक्स दे रहा है, तो ये वीकली चार्ट पे पुलबैक होके 20 डे एसएमए पे रेजिस्टेंस खा रहा है, और यहां देखिए ये डेली चार्ट पे सेम टाइम में सेम कॉरेस्पॉन्डिंग सेम डे ये डेली चार्ट पे अपर बैंड पे रेजिस्टेंस खा रहा है, ये अपर बैंड के पास है, तो ये सेट सॉल्व सेट जो शॉर्ट सेटअप हमें मिलेगा। अब इसे आप अपने कैंडल स्टिक्स के साथ मिक्स करो तो हमें यहां पर डार्क क्लाउड कवर दिखता है, और इसमें एक बॉलिंजर बैंड की सेटअप भी है अगर आपको याद होगा तो, मतलब अगर आपको याद नहीं है कौन सी सेटअप है तो हमारे बॉलिंजर बैंड की प्लेलिस्ट में जाके आप ये सेटअप देखो, आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसका जो बाद में जो ये हुआ, अब इसमें आप पूछोगे मुझे एग्जिट कैसे करें, भाई एग्जिट करने के लिए बॉलिंजर बैंड का सेटअप फॉलो करो, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न फॉलो करो, या आप ट्रेल करो स्टॉप लॉस को, ठीक है, या मिडिल बैंड याद है आपको द टच ऑफ द मिडिल बैंड, जो मिडिल बैंड पे या बैंडविड्थ को फॉलो करो, ठीक है, या परसेंटेज बी को फॉलो करो। तो बहुत सारे सेटअप हम लोगों ने बात कर रखे, परसेंटेज बी के बारे में बात कर रखे, बैंडविड्थ के बारे में बात कर रखे, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है बॉलिंजर बैंड की,
तो एंट्री एग्जिट कैसे हो, आप बैंडविड्थ को परसेंटेज बी को यूज करके यहाँ पर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन हमें यहाँ पर कैंडलस्टिक्स में दे दिया, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक्स की भी एक पूरी डिटेल्ड सीरीज हम लोग की प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, जाके जरूर देखिएगा। ऐसी सीरीज कैंडलस्टिक्स की आपको कहीं पर भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। वैसे आइए देखिए बाटा वीकली, ये देखिए वीकली चार्ट रेजिस्टेंस खा रहे, ये एक ठो बड़ा कैंडल नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, और वीकली चार्ट जो है 20 डे मूविंग एवरेज पे या 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे मिडल बैंड पे बेसिकली रेजिस्टेंस खा रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कोरस्पॉन्डिंगली ये अपर बैंड के पास था। इसका मतलब कि ये वीक है, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे तो रेजिस्टेंस खा रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ओवरबॉट है, यानी कि अपर बैंड के पास है, तो ये सेटअप हमें मिला। अब लॉन्ग का देखिए कैडिला जो है, ये देखिए वीकली चार्ट पे ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा था, 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, वहीं पर डेली चार्ट पे ये लोअर बैंड पे जाके टच कर रहा था, तो लोअर बैंड को टच कर रहा था, उसके बाद डेली चार्ट पे हमें यहां पर एक ठो अच्छा सा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलता है जो कंफर्म कर देता है इस सेटअप को कि भाई जो वीकली चार्ट जो है वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट लिया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, उस सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और डेली चार्ट पे जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल है ओवरसोल्ड लेवल पे आके ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हमें मिलती है तो ये भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है दोस्तों। ये आप जरूर देखिएगा, इसे समझिएगा। अब इसको क्या है ना कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप इसे आरएसआई के साथ मिला दीजिए, आप इसे मैग्डी के साथ मिला दीजिए, आप इसे एडीएक्स के साथ मिला दीजिए, तो ऐसे मतलब बहुत सारे टूल्स के साथ मिला सकते हैं। एडीएक्स के ऊपर पूरी सीरीज हम लोगों ने बना रखी है, आरएसआई के ऊपर सीरीज बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको मिलेगी, तो उन चीजों को मिक्स मैच करके आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वैसे देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन वीकली, आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और इसके बाद वाली चार्ट मैंने देना भूल गया, ठीक है छोड़िए। ये देखिए फेडरल बैंक वीकली, यहाँ पर देखिए काफी रेजिस्टेंस थी, इस कैंडल को स्पेशली देखिए, वीकली कैंडल जाके रेजिस्टेंस खा रही है मिडल बैंड पे, एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट पे जाते हैं तो देखिए ये अपर बैंड के आसपास है, और ये दो तो अब यहाँ पर अब एक दो चीज और मिल गई, यहाँ पर एक ठो मिल गया स्क्वीज, जो बैंड स्क्वीज हुआ है वो हमें मिल गया सेटअप, तो दो तीन चार सेटअप मिल गए दोस्तों, अलग अलग दो तीन चार सेटअप मिल गए तो इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। और इसी तरह से दोस्तों आपको ट्रेडिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको देखिए सक्सेसफुल ट्रेडिंग या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक या दो सेटअप ही मास्टर करने, जैसे ब्रूस ली ने कहा, क्या कहा था अगर आपको याद होगा, ब्रूस ली ने कहा था उसे उस आदमी से डर नहीं लगता जिससे 10,000 स्टेप्स आते हो या जिसे 10,000 अलग अलग तरह के किक्स आते हो, उसे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उस एक किक को जिसने उस आदमी ने 10,000 बार प्रैक्टिस की है उस किक में वो मास्टर बन गया है, उस किक में वो हार ही नहीं सकता क्योंकि वो किक वो इतनी शिद्दत से और इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका है। तो उसी तरह दोस्तों ये चीज ट्रेडिंग में भी एप्लीकेबल होती है। हम जब क्या होते हैं, जब मैं कई बार बात करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, जब मैं बात करता हूँ रिटेल ट्रेडर्स के साथ, वो मेरे को बोलते सिर्फ आरएसआई सर, आप सिर्फ आरएसआई पे ट्रेड कर लोगे, और आरएसआई पे कितने सेटअप, दो तीन सेटअप। अरे सर ये क्या दो तीन सेटअप पे थोड़ी ना ट्रेड होगा, एक टूल पे आप बोलते हो ट्रेड कर लोगे आरएसआई और सिर्फ लाइन चार्ट यूज करके और सिर्फ दो तीन चार सेटअप, ऐसे थोड़ी ना होता। अरे भैया ऐसे ही होता है, क्योंकि वो जो सेटअप्स जो मैंने एक तो मैंने आरएसआई पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत बहुत टाइम स्पेंड किया है मैंने 2008 से या 2007 के एंड से मैंने आरएसआई के बारे में समझना और सीखना शुरू किया, और आज तक आरएसआई को सीख रहा हूँ, आज तक आरएसआई को समझ रहा हूँ, तो आरएसआई के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। दूसरा मैं आरएसआई पे कम से कम 100 से 150 सेटअप जानता हूँ, एक टूल पे कम से कम मैं आपके साथ 100 से 150 सेटअप शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरे खुद की ट्रेडिंग की बात आती है तो मैं 2 या 3 सेटअप से बेसी यूज नहीं करता, ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, क्योंकि वो अगर जैसे मैं अपने ट्रेड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको मेरे ट्रेडिंग का पैटर्न अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई ये बंदा जो है ये एक या दो टाइप के ट्रेड सेटअप्स को ही देखता है और उसी को फॉलो करता है। तो अब मैं जानता हूं कि उस ट्रेड सेटअप की प्रोबेबिलिटी क्या है,
भाई 10 बार में से 3 बार फेल हो जाएगी, 7 बार पास होगा, तो मेरी वो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी वो है, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। उसी तरह दोस्तों एक या दो सेटअप अपने को मिले, उसमें अपने मास्टरी करिए, चाहे कोई भी टूल हो। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप RSI फॉलो करो, कोई भी टूल आप फॉलो करो, आप MACD फॉलो करो, ADX फॉलो करो, कैंडलस्टिक्स फॉलो करो, बॉलिंजर बैंड्स फॉलो करो, एलियट वेव्स फॉलो करो, कोई भी टूल आप फॉलो करो, लेकिन क्वांटिटी के पीछे मत जाओ, क्वालिटी के पीछे जाओ। तो 1, 2, 3 सेटअप बहुत होते हैं, यकीन मानिए इसी में आपकी ट्रेडिंग लाइफ निकल जाएगी अगर आप इन 2-3 सेटअप्स को। दिक्कत वहीं आती है जहां पर हम और सीखने के लिए जाते हैं, और चाहिए, तो वहीं पर बेसी दिक्कत आती है। तो ये बात थोड़ा सा देने के लिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन ये खत्म होता है। प्रैक्टिस करिए इन सेटअप्स को, जाके पेपर पर प्रैक्टिस करिए, पहले देखिए कैसा होता है, आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट शेयर करिए नीचे कमेंट बॉक्स पे। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, ऑफ कोर्स कीप शेयरिंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी न्यू ईयर।